पहले वनडे में ही मैदान पर सरेआम धोनी ने दिखाई कोहली को दादागिरी। कोहली बन गए धोनी के सामने भीगी बिल्ली। भारत और दक्षिण अफ्रीका पहला वनडे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में वनडे सीरीज का पहला मैच शुरू हो चुका है। पहले ही वनडे मैच में जिस तरीके की टीम कप्तान विराट कोहली मैदान पर लेकर उतरे हैं, तो निश्चित रूप से उसके बाद यही बोला जा सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी की वापसी के बाद कप्तान विराट कोहली लाइन पर आते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके की टीम पहले वनडे में कप्तान विराट कोहली लेकर मैदान पर उतर रहे हैं, उसमें दो स्पिनर्स को मौका दिया गया है। प्लेइंग 11 जिस तरह से बनाई गई है, तो उसको देखकर ही बोला जा सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी की बनाई हुई है प्लेइंग 11 है, जो पहले वनडे में खेलती हुई नजर आ रही है। आइए आपको बताते हैं कि क्यों महेंद्र सिंह धोनी की बनाई हुई प्लेइंग 11 हम बोल रहे हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका पहला वनडे, 6 गेंदबाजी ऑप्शन धोनी का होता था प्लान। महेंद्र सिंह धोनी लगातार अपनी कप्तानी में भी अच्छी गेंदबाजी पर ध्यान दिया करते थे। अपनी कप्तानी में माही अधिकतर 6 गेंदबाजों के साथ मैदान पर आते थे। कुछ ही बार ऐसा हुआ होगा कि धोनी मैदान पर 5 या फिर उससे कम गेंदबाजों के ऑप्शन के साथ उतरे हो। पहले वनडे में भी आपको बता दें, टीम इंडिया 6 गेंदबाजी ऑप्शंस के साथ मैदान पर उतरी हुई नजर आई है। टीम में 2 ऑलराउंडर हैं, जिसमें कि एक हार्दिक पांड्या और दूसरे केदार जाधव हैं। इस फैसले को देखकर बोल सकते हैं कि कहीं न कहीं महेंद्र सिंह धोनी की प्लेइंग 11 मैदान पर उतरी है। अजिंक्य को टीम में धोनी ने करवाया शामिल। टीम के अंदर नंबर 4 पर जिस तरीके से रहने को मौका दिया गया है, तो वे भी कहीं न कहीं महेंद्र सिंह धोनी का ही फैसला नजर आ रहा है। महेंद्र सिंह धोनी जानते हैं कि किसी सीनियर खिलाड़ी को कैसे मौके पर खिलाया जाता है। विराट कोहली ने शुरुआती 2 टेस्ट मैच में अजिंक्य रहाणे को न खिलाकर बड़ी गलती की थी, लेकिन अब भी महेंद्र सिंह धोनी के आते ही रहाणे को सही मौका मिला है। धोनी मैदान में दोनों अपने स्पिनर्स के साथ उतरे हैं। धोनी अपनी कप्तानी में हमेशा एक बात के लिए विख्यात थे कि वह अपनी ताकत के साथ ही मैदान पर नजर आते थे। बेशक डर्बन में पिच स्पिनर्स के लिए नहीं बनाई गई है, लेकिन इंडिया अपने दोनों मुख्य स्पिनर कुलदीप यादव और योजवेंद्र चहल के साथ मैदान पर नजर आ रही है। तो इन 3 फैसलों के बाद बोला जा सकता है कि कहीं न कहीं टीम के सिलेक्शन में विराट कोहली ने महेंद्र सिंह धोनी की सारी बातें मानी हैं। धोनी के टीम में आते ही टीम का संतुलन बनता हुआ अब नजर आ रहा है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।